मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों सहित दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दमोह जिले के तेंदुखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नरगवा के सिद्ध हनुमान मढ़ा में रखी प्राचीन दुर्लभ मूर्तियों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खंडित किया है, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई है। प्राचीन मढ़ा की मूर्तियां गड़ी 4 सीट ऐसी है जिसमें 3 हम जीतेंगे और 1 में 50-50 की टक्कर है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, तो इसका मतलब है ऐसा ही राजस्थान में, ऐसा ही छत्तीसगढ़ में, यहाँ हमारे पास 1 भी सीट नहीं, इसका मतलब परिवर्तन है। और साउथ में तो बीजेपी का झंडा भी नहीं मिलता है, यहाँ 3000 भी हुए हैं, वहाँ हजार हजार भी मोदी जी की सभा में नहीं हो रहा है। ये एहसास कराता है कि लोगों को 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने यातना दी, दुख दिया, महंगाई की मार मारी, जो करप्शन का जो खुला नाच किया, जो बॉन्ड से बीजेपी की कलाई खुल गई, मोदी जी की कलाई खुल गई, तो ये जो भावनाओं में लेके जो अलग अलग भावनात्मक मुद्दों पर बात करते थे, जनता सुनना नहीं चाहती। अब ये नफरत की, घृणा की, भावना की ऐसी बातें करते हैं बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, तिरस्कार करते हैं। अब उनके घर में क्या मिला, सरकार ने क्या दिया, देश कैसा बनाया? अरे आज सवाल ये है कि 75 साल आज़ादी के हो गए, जो स्थिति बनी 10 साल में, संविधान की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, वोट देने के अधिकार की बात हो रही है, रशिया देशा देश बनाने की क्या बन जाएगा अगर मोदी जी आ गए, ऐसे विचार आ रहे हैं, तो ये क्या एहसास कराता है? ये एहसास कराता है कि नरेंद्र मोदी फेल हुआ है।